करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ फर्स्ट लेवल में, तो फिर यहाँ का क्वेश्चन है फाइंड द बिगेस्ट वन। तो यहाँ पर बिगेस्ट है मेरे ख्याल से एप्पल, नहीं नहीं यहाँ पर वाटरमेलन भी है और सबसे बड़ा वाटरमेलन होता है। तो चलो वाटरमेलन को दबा कर देखते हैं। Yes, watermelon is the right answer. तो गाइस यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ सेकेंड राउंड में और यहाँ पर है हाउ मैनी डक्स। तो सारे डक्स को तो मैं काउंट नहीं कर सकती, तो फिर सारे नंबर्स को दबा कर देखती हूँ। नहीं है राइट right. मैं आ चुकी हूँ थर्ड राउंड में और यहाँ पर है हु इज द टॉलेस्ट वन। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर टॉलेस्ट है जिराफ, तो यहाँ लेकिन यहाँ पर है सूरज। तो फिर एक काम करती हूँ, मैं जिराफ को दबा कर देखती हूँ, फिर मैं सन को दबाऊंगी। तो जिराफ इज द रॉन्ग आंसर। अब मैं दबाती हूँ सन को, सन इज द राइट आंसर। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ फोर राउंड में, तो फिर यहाँ का क्वेश्चन है कैन यू फाइंड द डिफरेंट वन। तो यहाँ पर बहुत सारे तरबूज है, इसमें बीज को देखते हैं, बीज में ही कुछ डिफरेंस होगा, लेकिन बीज में अगर मैं इतना में देखूंगी तो मुझसे नहीं हो पाएगा। तो फिर मैं सबको दबा कर देखती हूँ, कुछ तो राइट आंसर होगा। तो सारे रॉन्ग आंसर है, ये कैसे हो सकता है। एक काम करती हूँ, मैं दबाती हूँ, सारे को हटा हटा कर देखती हूँ, कुछ तो मिलेगा। इसको हिलाया कुछ नहीं मिला, इसको भी कुछ नहीं मिला, इसमें भी कुछ नहीं। ओ एक मिल गया, वो कटा हुआ तरबूज था, वो राइट आंसर था। तो गाइस यहाँ पर है मैं आ चुकी हूँ फाइव राउंड में। तो यहाँ पर क्वेश्चन है विच क्लॉ सिमिलर टू कैट्स आउटस्ट्रेच्ड क्लॉ। तो सबको सब हाथ को दबा कर देखते हैं कुछ होगा। अब बिल्ली के क्लॉ को दबा कर देखते हैं कुछ तो होगा। तो आ गया राइट आंसर। मैं आ चुकी हूँ राउंड सिक्स में, तो यहाँ पर है फाइंड आउट द लार्जेस्ट फायर। तो फिर मुझे तो ये वाला बिग लग रहा है, लेकिन ये नहीं है, तो फिर क्या होगा। अरे मैंने आपको इसमें गलती से फिट कर दिया, तो ये बड़ा हो गया। अब सारे आपको इसमें फिट कर दिए तो ये और बड़ा हो जाएगा। हाँ तो ये आ गया, ये था राइट आंसर। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ राउंड सेवन में, तो यहाँ पर है व्हाट्स द नंबर अंडर द पार्क्ड कार। तो फिर इस कार को हटा कर देखते हैं यहाँ पर नंबर पता चल जाएगा। यहाँ पर आया है नाइन, तो फिर मैं नाइन ला देती हूँ यहाँ पर। यस नाइन इज द राइट आंसर। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ राउंड एट में, तो फिर यहाँ पर है वेक अप द आउल। तो फिर क्या मुझे आउल को हिलाना है या इस पेड़ को, नहीं तो क्या मुझे इस सन को मैं हटाती हूँ, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। तो फिर मैं इसको स्क्रीन से हटा कर देखती हूँ मैंने। तो दिस वाज द राइट आंसर। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ राउंड नाइन में, तो फिर यहाँ पर है व्हाट मार्क वुड यू गिव फॉर द गेम। तो यहाँ पर है 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 50 पॉइंट, 80 पॉइंट, ये फुल मार्क्स। तो फिर मेरे ख्याल से ये लोग मेरे साथ चाल चल रहे हैं, तो मैं करूँगी अपने आप को फुल मार्क्स ही दे देती हूँ, वरना ये गेम से मुझे हरा देंगे। तो मैंने फुल मार्क्स दिया और दिस वॉज द राइट आंसर। मैं आ चुकी हूँ राउंड 10 में और यहाँ पर है फाइंड समथिंग यू कैन नॉट ईट। तो फिर तरबूज हम लोग खा सकते हैं, फ्रेंच फ्राइज भी हम लोग खा सकते हैं, आइसक्रीम भी और हेल्दी, और उसके एग्स भी शायद, मुझे बहुत गंदा लगता है क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। और अब देखते हैं सबको हिला कर देखते हैं, वाटरमेलन के पीछे कुछ नहीं है, फ्रेंच फ्राइज के पीछे कुछ नहीं है, आइसक्रीम के पीछे भी कुछ नहीं है, लेकिन हैन के पीछे घोंसला है, क्योंकि घोंसला आप कभी भी नहीं खा सकते हैं। तो दिस वाज द राइट आंसर। तो मैं आ चुकी हूँ राउंड 11 में, तो यहाँ पर है व्हिच वन इज नॉट अ रियल राइस। तो चलो अब हम सूरज को सब आइसक्रीम्स के बीच में ला के देखते हैं। नहीं हो रहा है तो फिर एक काम करते हैं, हम सूरज को बीच में ही ला देते हैं, तब हो जाएगा आई थिंक। मक्खी आ गई, दिस वॉज नॉट द रियल आइसक्रीम। तो गाइस अब यहाँ पर है फाइंड द डार्केस्ट कलर ऑन द स्क्रीन। तो अब देखते हैं सारे डार्केस्ट कलर को मैं दबा देती हूँ, कुछ तो होगा। लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो एक काम करती हूँ, ओ इसमें आई थिंक थोड़ा सा दिमाग
करेगी, कुछ नहीं हो रहा है, दिमाग की जरूरत है, दिमाग को और थोड़ा ज्यादा यूज करती हूँ। लेकिन ब्लैक ही सबसे ज्यादा डार्क कलर होता है, तो इसको बताते हैं। It was the right answer. कैसे क्वेश्चंस लिखते हैं ये लोग भाई। तो गाइस मैं आ चुकी हूं राउंड 30 में, और तो यहां है काउंट द नंबर्स ऑफ हेयर्स। तो यहां पर बच्चे के हेयर्स काउंट करना है। तो यहां पर आई थिंक है 15 आंसर। तो देखते हैं, लेकिन ये रॉन्ग आंसर है। ये कैसे हो सकता है? क्या होगा इसका आंसर? कितने बार मैं सोच रही हूँ, इसके बाल को हटा कर देखते हैं। सब चीज में हटाना ही पड़ता है, तो इसे भी हटाते हैं। ये गंजा है, असली में इसके सिर्फ 3 बाल है। तो फिर मैं 3 नंबर एंटर करके देखती हूँ। आई थिंक इट इज राइट आंसर होगा ये। यस, ये राइट आंसर था। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।